वेल हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी के लिए फिर से मैं कुछ ऐसे एडल्ट कंटेंट के ऊपर वेब सीरीज लेके आ चुका हूँ जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। ये सभी सीरीज आपको 2021 की देखने को मिलती है, तो सभी सीरीज काफ़ी ज़्यादा कमाल की है और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद सभी सीरीज को एक बार आपको मस्ट वॉच करना चाहिए। अब कहाँ से इन सभी सीरीज को डाउनलोड कर सकते हो वो आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा एक लिंक वेबसाइट का, वहाँ पर आपको फ्रीली देखने को मिल जाती है सभी सीरीज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी ऐसा कॉन्टेंट बनाने में। बाबू मत बोलो, बाबा बाबा मत बोलो, बेबी बेबी क्यों बोल रहे हो? क्या बोलो? मौसी मौसी। नंबर 5 पे हनीमून स्पेशल। आप सभी को पता है कि उल्लू की जितनी भी सीरीज होती है उसके अंदर आपको एडल्ट कंटेंट काफी ज्यादा देखने को मिल जाते हैं, तो आपको इस सीरीज में भी काफी ज्यादा एडल्ट कंटेंट देखने को मिल जाता है। अब बात करें इसकी रेटिंग की, तो आईएमडीबी ने तो इसको अभी कंफर्म नहीं रेटिंग दिया है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि इसकी 5+ रेटिंग देखने को मिल जाती है। अब इसके टाइटल से आपको इंडिकेट हो गया कि इस टाइप की वेब सीरीज होने वाली है। बेसिकली में स्टोरी देखने को मिलती है कि न्यूली कपल की, जिनकी अभी अभी शादी हुई होती है और वो हनीमून का प्लान बना रहे हैं। अब वो कहां जाने की हनीमून में कोशिश करते हैं वो आपको इस सीरीज देखकर ही पता चलने वाला है। सीरीज काफी ज्यादा कमाल की है और सभी को ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद भी आने वाली है। नंबर 4 पे ओके कंप्यूटर। ये सीरीज आपको रिसेंटली देखने को मिली है, जिसको कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने प्रोड्यूस किया है और आप सभी को पता है कि ये सीरीज काफी ज्यादा कमाल की है और काफी ज्यादा यूनिक कंसेप्ट के साथ देखने को मिल जाती है। अब मैं सीरीज की प्लॉट बता के आपका मजा बिल्कुल स्पॉइल नहीं करूंगा, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस सीरीज को एक बार आपको मस्ट वॉच कर लेना चाहिए। अब इस सीरीज में भी कई सारे अच्छे कलाकार देखने को मिलते हैं, जैसे कि राधिका आप्टे, जैकी श्रॉफ और भी कई सारे कलाकार देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये सीरीज कितनी ज्यादा कमाल की है। अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो आईएमडीबी ने इस सीरीज को 5 की रेटिंग दी है। बताओ खून क्यों किया? इंसानियत का असली कैंसर है टेक्नोलॉजी। नंबर 3 पे कमाथीपुरम। ये सीरीज आपको रिसेंटली देखने को मिली है अमेजन प्राइम पे और ये सीरीज काफी ज्यादा कमाल की है अगर आप एक सस्पेंस ड्रामा सीरीज के फैन हो। अगर मैं बात करूँ उसके प्लॉट के बारे में, तो बेसिकली इसमें स्टोरी देखने को मिलती है एक डेड बॉडी की, जो कि कमाथीपुरम मुंबई की एक साइड पे मिलती है, जिसके बाद ये केस एक लेडी पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और वो कैसे इन्वेस्टिगेशन अपनी शुरू करती है, तो वही प्लॉट आपको इस सीरीज में देखने को मिल जाता है। ये सीरीज काफी ज्यादा क्राइम ड्रामा के ऊपर देखने को मिलती है और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक सस्पेंस ड्रामा मिस्ट्री के फैन है तो ये सीरीज को एक बार आपको मस्ट वॉच करना चाहिए। अब सीरीज की अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो IMDb ने 6.6 की रेटिंग दी है। नहीं होता कि उससे गलती क्या हुई है। नंबर 2 पे सोनी लिव की वेब सीरीज, जिसका नाम है प्रोजेक्ट 9191। ये सीरीज काफी ज्यादा कमाल की है और पर्सनली मैंने इस सीरीज को काफी ज्यादा पसंद किया है। अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो आईएमडीबी ने भी इस सीरीज को 8.6 की रेटिंग दी है, जो कि काफी ज्यादा कमाल की है। अब सीरीज की अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो मैं स्टोरी देखने को मिलती है कुछ पुलिस ऑफिसर्स की, जो कि कुछ क्राइम्स को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुनने में एक चीज आपको काफी ज्यादा वियर्ड से लगेगी, क्योंकि वो क्राइम होने से पहले कैसे रोक दिया जाए उसी के ऊपर ये पूरी सीरीज देखने को मिल जाती है। अब सीरीज काफी ज्यादा कमाल की है और मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि इस सीरीज को एक बार आपको मस्ट वॉच करना चाहिए। नंबर 1 पे बॉम्बे बेगम्स। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स की देखने को मिलती है, जिसको कि आईएमडीबी ने 4.3 की रेटिंग दी है। अब सीरीज की अगर मैं स्टोरी की बात करूँ, मैं स्टोरी देखने को मिलती है 5 लड़कियों की, जिनके बड़े बड़े सपने हैं कि उनको फेमस होना है, पैसा कमाना और अपने लाइफस्टाइल को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करना है। अब आखिर तक आपने यही देखना क्या वो पाँचों लड़की अपने इस एम्बिशन में कामयाब होती या नहीं होती। सीरीज में आपको 18+ का कॉन्टेंट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है और आप सभी को पता है बॉम्बे के ऊपर जितनी भी वेब सीरीज बनाई जाती है तो उसके अंदर आपको एडल्ट सीन्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। करने के लिए हम सबको बदलना पड़ता है। Survival is a battle for every woman.